Subscribe to Rajesh Javalkar and press the bell icon to watch more videos. Good morning, friends. Welcome to Javalkar's English Academy. Today we are going to learn degree of comparison. आज हम देखते हैं degree of comparison, change degree, part 2. पहले part में हमने देखा है degree का relation adjective से होता है. So what is adjective? Formation of adjective in three parts: positive, comparative, superlative. ये हमने पहले video में देखा है. आप उसे देख सकते हैं. तो आज देखते हैं change degree. Comparative degree का positive degree में, superlative degree का positive degree में change कैसे होते हैं वो देखते हैं. प्रकार type one. In general, Rohan is tall boy. Rohan is tall boy. Tall is positive for Rohan is tall boy. Rohan कैसा है? Tall है. Rohan is tall boy. तो इसके तुलना tall is adjective. Rohan is tall boy. तो इसका form structure और ही subject helping verb adjective positive for और noun pronoun. Rohan is tall boy. का comparative degree में Rohan is taller than Soham. और यहाँ Rohan is taller than Soham. Taller is comparative form. Tall, taller. इसका structure subject helping verb comparative form of adjective. Then उसको then लगता है taller के बाद adjective के बाद then. Soham, Rohan सोहम से ऊंचा है. तो कंपैरेटिव डिग्री रोहन की तुलना सोहम से की गई है. रोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. रोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. टॉलेस्ट यह सुपरलेटिव फॉर्म है. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म और नाउन प्रोनाउन. रोहन इज टॉलेस्ट बॉय. ये इन जनरल फॉर्म है. लेकिन हम जब कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में करते हैं तो कैसे करते हैं? जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से हम करते हैं. वन थिंग और वन पर्सन इज कंपेयर टू अनदर पर्सन. जब कंपेरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में चेंज कैसे होता है, हाउ टू चेंज कंपेरेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री फ्रॉम कंपेरेटिव डिग्री. Change degree. Rohan is taller than Soham. ये comparative degree का form है. Rohan is taller than Soham. अभी comparative degree का positive degree में करना है तो उसका meaning हमें नहीं change होना चाहिए. Meaning तो वही रहना चाहिए. Rohan is taller than Soham. Taller ये comparative form है. Comparative adjective है. Structure. Subject, helping verb, comparative adjective, then noun. Rohan is taller than Soham. Rohan Soham से ऊंचा है. अभी इसका meaning अभी change नहीं करना चाहिए, लेकिन positive form में रखना चाहिए. तो हम इसे पहले Soham को पहले लेते हैं. Soham is not as tall as Rohan. Soham रोहन जितना ऊंचा नहीं है. यानी रोहन सोहम से ऊंचा है. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एज टॉल. यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव नॉट एज टॉल एज रोहन. नाउन या प्रोनाउन. Soham is not as tall as Rohan. इसका हम जब comparative करते हैं Rohan is taller than Soham. तो ये उसका structure होता है. दूसरा second type हम देखते हैं. तब तक आप इसको screenshot निकाल कर रखिए. हम second form देखते हैं.
देखते हैं व्हेन द क्वालिटी ऑफ पर्सन और किंग इज कंपेयर्ड विद मोर देन वन थिंग और पर्सन क्वालिटी, जबकि किसी वस्तु के गुण या क्वालिटी ऑफ पर्सन थिंग इज कंपेयर विद मोर देन वन थिंग और पर्सन। दो से ज्यादा किसी एक वस्तु की तुलना, किसी एक व्यक्ति की तुलना दो से ज्यादा व्यक्ति के साथ जब करते तो उसका कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में उसका चेंज कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज डिग्री। अभी हम ये सेंटेंस देखते हैं, मुंबई इज बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र, मुंबई इज बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र, बिगेस्ट सुपरलेटिव फॉर मुंबई से कौन सा भी सिटी कौन सा भी शहर जो मुंबई से बड़ा नहीं है, मुंबई इज बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री नाउन मुंबई इज बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र। अब हमें इसका चेंज करना है कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में, मुंबई इज बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र, मुंबई सबसे बड़ी सिटी है, यानी कि कोई भी सिटी मुंबई से बड़ी नहीं है, कोई भी सिटी। तो नो अदर सिटी, जो पॉजिटिव डिग्री में हम जब उसका चेंज करते हैं तो नो अदर सिटी, उसका नेगेटिव फॉर्म लेते हैं नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई, नो अदर सिटी इज एज बिग एज मुंबई। इसका स्ट्रक्चर नो अदर प्लस हेल्पिंग वर्ड एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ फॉर्म एज नाउ एंड प्रोनाउन नो अदर सिटी, नो अदर सिटी कोई भी शहर मुंबई से बड़ा नहीं है। कंपेरेटिव डिग्री में जब हम देखते हैं मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी, बिगर कंपेरेटिव फॉर बिग पॉजिटिव फॉर bigger than any other city, इसका structure subject helping verb comparative form of degree any other noun form, हम उसको any other लगाते हैं, Mumbai is bigger than any other city, Mumbai है कोई भी शहर जो महाराष्ट्र में कोई शहर है उससे बड़ी है, Mumbai is bigger than any other city। तो यहाँ comparative degree में any other और positive degree में no other, ये वो से हम शुरू करते हैं और सॉरी कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर ये वर्ड लगता है व्हेन क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग इज कंपेयर्ड मोर देन वन थिंग और पर्सन, तो ये उसका स्ट्रक्चर रहा और हम इसको कैसे चेंज करते हैं हमने देख लिया। इसका तीसरा एक प्रकार है, स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं। अभी हम देखते हैं उसका थर्ड टाइप, तीसरा प्रकार, व्हेन वन ऑफ द बेस्ट थिंग पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग और पर्सन, और कई वस्तुओं में से एक, कई वस्तुओं में से एक या कई व्यक्तियों में से एक, जब वन ऑफ द बेस्ट या ऐसा वर्ड जब आता है तब उसका कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में कंपेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में वो कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। होली इज one of the most popular festival of India, one of the most popular, यानि होली एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे इंडिया में one of the most popular, कई त्यौहारों में से एक लोकप्रिय त्यौहार है होली, one of the most। अभी यहाँ most popular या एडजेक्टिव को हम मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, पॉपुलरेस्ट में होता मोस्ट पॉपुलर। उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द एडजेक्टिव को ईएसटी लगाते हैं, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म नाउन प्रोनाउन। अब होली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, होली इंडिया में कई त्यौहार जो जितने त्यौहार है कई त्यौहार में से एक पॉपुलर त्यौहार है, लोकप्रिय त्यौहार है। अब इसका हम कंपेरेटिव डिग्री में हम जब देखते हैं होली इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर
festivals in India, any other year were important as Holi, more popular, superlative for popular, more popular. Iska structure, subject, helping verb, adjective, form of degree, adjective, form of adjective, form of comparative form of, sorry, comparative form of adjective. Then हम उसको than लगाते हैं. Holy is more popular than any other. यहाँ many other लगा सकते हैं. Many other, most other than noun pronoun. Pune is cleanerer than, sorry, Holy is more popular than any other festival. यहाँ हम many other festival लगा सकते हैं. Many या मोस्ट अदर फेस्टिवल्स इन इंडिया. होली इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर फेस्टिवल्स इन इंडिया. अब इसका हम पॉजिटिव डिग्री में जब करते वेरी फ्यू, इसकी शुरुआत हम वेरी फ्यू से करते हैं. बहुत ही सारे, बहुत कम त्यौहार ऐसे है जो होली के बराबर है. होली इतनी लोकप्रिय है. वेरी फ्यू फेस्टिवल्स इन इंडिया are as popular as Holi. Popular, adjective for very few. इसकी शुरुआत very few से होती है. Subject, helping verb, as adjective form of degree. फिर as plus noun pronoun. Very few festivals in India are as popular as Holi. और एक हम उदाहरण देखते हैं. Pune is one of the cleanest city. Cleanest, clean, cleaner, cleanest. Cleanest city in Maharashtra. One of the cleanest. कई शहरों में से पुणे एक स्वच्छ शहर है. उसका हम पॉजिटिव डिग्री जब करते हैं. Very few cities are as clean as पुणे in Maharashtra. Very few से हम उसकी शुरुआत करते हैं. Very few cities are as clean as positive part. जब हम कंपेरेटिव डिग्री में देखते हैं तो पुणे इज क्लीनरर देन एनी अदर और मेनी अदर सिटीज इन महाराष्ट्र. मेनी अदर या मोस्ट अदर. पुणे इज क्लीनरर देन मोस्ट अदर या मेनी अदर सिटीज इन महाराष्ट्र. और एक हम उदाहरण देखते हैं. भंडारदारा इज वन ऑफ द हाईएस्ट हिल इन महाराष्ट्र. इसका कंपेरेटिव डिग्री में भंडारदारा इज हायर सुपरलेटिव फॉर देन मेनी अदर इन महाराष्ट्र. सॉरी, मेनी मोस्ट अदर हिल्स इन महाराष्ट्र. वेरी फ्यू हिल्स इन महाराष्ट्र आर एज हाई एज भंडारदारा. वेरी फ्यू, बहुत कम हिल्स इन महाराष्ट्र आर एज हाई एज भंडारदारा. तो ये चेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, चेंज डिग्री पार्ट टू. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. तो इसके क्वेश्चन हमें 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं. तो ये रहा चेंज डिग्री. ये वीडियो आप देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू. Okay, bye.